गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा चोपड़ा फ्रॉम फ्लोरिडेल पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट सिविक्स चैप्टर 2। इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा, इस चैप्टर का जैसे नेम ही है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या योगदान है। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारे वर्क करती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हाउसिंग पे, या डेवलपमेंट के काम में जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का हेल्थ में पर्टिकुलर क्या रोल है, वो आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब हर कोई हेल्थ का मतलब ये समझता है कि अगर हम किसी बीमारी से अगर हम बीमार नहीं हैं, हमें कोई इंजरी नहीं है, इसका मतलब हम हेल्थी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, या ये कह सकते हो कि अगर हम डिजीज़ से फ्री हैं तो हम हेल्थी हैं। लेकिन यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ़ द सिचुएशन इन द अबाउट कॉलेज विद द हेल्थ। यानी ये जो फोटो दे रखी है उनमें से कोई ना कोई एक सिचुएशन में हो सकता है आप हो, लेकिन हो सकता है आप ऐसी कोई सिचुएशन में ना भी हो। लेकिन वॉट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। ऊपर की जो जितनी ये फोटोज़ दे रखी है वो सब हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हम पानी साफ नहीं पी रहे हैं तो आज तो हम हेल्थी हैं, लेकिन फ्यूचर में हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हम जैसे ये बार्बर है, ये कटिंग कर रहा है, अगर इसकी जो कटिंग का ऑर्नामेंट टूल है वो सही नहीं होगा तो आपको बड़ी डिजीज़ हो सकती है। तो इसीलिए इसने कहा है कि हम कहीं ना कहीं इनसे टच में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। अगर वो साफ़ सुथरा उसे पानी मिलता है और साफ सुथरा एनवायरमेंट मिलता है तो वो हेल्थी कहला सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। और इसी के जस्ट अब जस्ट दूसरा साइड, उसमें अगर उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, पेट भर खाना नहीं मिल रहा है तो भी, और या उसका एटमोसफियर, उसके लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो अनहेल्थी हो सकता है, या फ्यूचर में वो इल हो सकता है, बीमार हो सकता है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। इट इजेंट हेल्थी टू बी डल, इनएक्टिव, एनोक्सिस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। मतलब ये क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आप डल हो, इनएक्टिव हो? वी ऑल नीड टू विदाउट मेंटल स्ट्रेन। मतलब हमको ऐसी चीज़ चाहिए कि हमको मेंटल स्ट्रेन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऑल ऑफ दीज वेरियस एक्सेप्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ की एक पार्ट है। नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर सेंटर्स क्या हैं? जो भी हमारे डिस्पेंसरीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं, ये सब हेल्थ केयर्स हैं। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड कॉलम। यहाँ पे एक कॉलम दे रखा है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस जगह पे हेल्थी लोग ज़्यादा मिलते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में दे रखा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाइड इन इज़ एवरी ईयर। मतलब इंडिया बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं। यहाँ पर करीब 30,000 डॉक्टर्स पर ईयर क्वालिफाइड होते हैं। और यहाँ दूसरे कॉलम में दे रखा है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। अब यहाँ पे 30,000 डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया यानी शहरों में ही बसना चाहते हैं, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको डॉक्टर के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है डॉक्टर से इलाज कराने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। और अगर हम उन डॉक्टर्स की काउंटिंग करें तो रूरल एरिया की पॉपुलेशन के मुकाबले वो काफ़ी कम है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है इस कॉलम्स के अंदर कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटी बहुत सारी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और उतनी ही ज़्यादा बैकवर्डनेस है, जिसकी वजह से लोग रूरल एरिया की जगह अर्बन एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप खुद ही रीड आउट करेंगे और समझेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट,
In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospitals, laboratories for testing, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा. अगर हमको बीमारी का इलाज करवाना है तो ये सारी फैसिलिटी हमें चाहिए ही चाहिए. दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स. अब हेल्थ वर्कर कौन होते हैं? जैसे नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस. मतलब हेल्थ प्रोफेशंस यानी जो जैसे कोई लेबोरेटरी का इंचार्ज है या जो कंपाउंडर्स है, ये सब हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो हमें सही डायग्नोस करेंगे और हमारा इलाज बताएंगे. वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट. दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. ये सारी फैसिलिटी अगर हमारे पास होगी तभी हम अपनी देखभाल कर पाएंगे या दूसरे की देखभाल कर पाएंगे. इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन करे जाते हैं, गवर्नमेंट चलाती है. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और विलेजेस. वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर. मोर एवर देयर हैज़ बीन अ phenomenal advancement in medical science whereby many new technology and treatment procedures are available in the country. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी वजह से हम एडवांस ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. बस बात वहीं आ जाती है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी हमारी फैसिलिटी है वो लेस हो जाती है. However, the second column point out How poor the health situation in our country. ये जो ऊपर हमने दो कॉलम दिया है उसका इन दो कॉलम को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्या बोलना चाहता है ये कॉलम. पहले में बताया कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, दूसरे में ये क्या बताता है, सारी सिचुएशन होने के बावजूद जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो हेल्थ केयर सेंटर में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है. Sometime that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter we will look at some of the reason for this. अब इसी में यही बताया गया कि सब कुछ होना चाहिए लेकिन हम कहीं ना कहीं lack हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इस healthcare situation से काफ़ी पीछे हो जाते हैं. अब देखो यहाँ पे हाकिम शेख की एक स्टोरी बताई गई है. इस स्टोरी में क्या है, हाकिम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति यानी PBKMS का ये एक सदस्य है, मेंबर है. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल, ये एग्रीकल्चरल लेबरर है वेस्ट बंगाल का. एक शाम को 1992 के अंदर ही एक्सीडेंटली fell off a running train and suffered head injuries. मतलब चलती हुई ट्रेन से वो बेचारा गिर जाता है और उसके सर पे बहुत भयंकर चोट आती है. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. अब सर पे लगी है तो immediate treatment चाहिए. He was taken to a government hospital in Kolkata but they refused to admit him because they did not have a स्पेयर बेड. अब स्पेयर बेड नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए और वो हॉस्पिटल वाले कहते भाई हम इसको एडमिट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है, उसको हम कहाँ पे एडमिट कराएं, हमारे पास जितनी भी जगह है वो फिल है. तो अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेसेसरी फॉर दिस हिज ट्रीटमेंट. इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर इन अ क्रूशियल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 different government hospital but none of them admitted him.
इसी तरह से वो 14 घंटे तक सफ़र करता रहा और 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। लोग उसको ले लेकर गए लेकिन किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब देखो गवर्नमेंट ने सबने मना कर दिया, प्राइवेट में गया तो प्राइवेट वाले तो पैसे, आपको पता ही है प्राइवेट वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं तो एडमिट तो कर ही लेते हैं। तो उन्होंने एडमिट किया और वहाँ पर उसको काफ़ी पैसा देना पड़ा अपनी ट्रीटमेंट करा ट्रीटमेंट का। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। अब ऑब्वियस है भाई, इतना उसके सिचुएशन ख़राब कर दी, इतना उसका टाइम गया, पैसा गया, और अगर वो मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट पे केस कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ। अब देखो द कॉस्ट ऑफ केयर। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। एक स्टोरी और बताई गई, अमन और रंजन अच्छे फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट। अब अमन और रंजन दोनों अच्छे परिवार से हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, दोनों अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। मतलब अमन ज़्यादा जो रंजन है वो ज़्यादा अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, और अमन है जो मीडियोकर है यानी एकदम मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। एक दिन क्या हुआ, अमन रंजन बीमार हो गया और उसी टाइम पे अमन भी बीमार हुआ, दोनों को वायरल हुआ था। अमन जो था उसको अपने वायरल ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, काफ़ी उसको इंतज़ार करना पड़ा, डॉक्टर ने भी बड़े गंदे तरीके से उससे बिहेव किया। हालांकि उसको पैसे नहीं देने पड़े गवर्नमेंट ट्रीटमेंट में, लेकिन उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, और लेकिन कुछ एक आधा दवाई से वो सही हो गया। जस्ट ऑपोजिट जो आपका अमन था, सॉरी रंजन था, रंजन काफ़ी अमीर परिवार से था, तो वो उसके पापा उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पे उसकी फ़ीस ही 500 रुपये की थी, और उसके अलावा उसने कई मल्टीविटामिन की टैबलेट और वो सब दिए। डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से पेश आ रहा था उसके साथ, और वहाँ का जो हॉस्पिटल था वो एक 5-स्टार होटल की तरह लग रहा था, बहुत ही वेल बिहेव्ड लोग थे। तो ये सिचुएशन अलग अलग बताई गई है, लेकिन चीज़ क्या थी कि बीमारी का तो एक ही इलाज है, लेकिन प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में ज़्यादा उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर ये ज़्यादा इनको टेंशन नहीं होती है। तो उस बंदे को लंबी लाइन में खड़े होकर उसके पापा को अपने एक दिन की सैलरी को हटाकर फिर आगे काम करना पड़ा। क्लियर है ये? ये सिचुएशन थी इस टॉपिक के अंदर। नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होता क्या है? सबसे पहले पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर क्या होता है? हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट चलाती है वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस कहलाती है। यहाँ पे दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर कॉमन इलनेस, स्पेशल सर्विसेज एक्सेट्रा। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and village health workers. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at primary health center, yani PHC. Such a center covers many villages in rural areas. At the district level, the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialist government hospital such as one in Hakim's story. ठीक है, हाकिम की स्टोरी में एक बताया था और एक अमन की स्टोरी में बताया था। तो ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे जो गवर्नमेंट चलाती है। अब गांव के अंदर भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होती हैं, उस डिस्पेंसरी के अंदर गवर्नमेंट के ही डॉक्टर्स के अंडर नर्सेस होती हैं, वो उसकी सुपरवाइज करती हैं। ठीक है, अब पब्लिक में जाते हैं, इसी में ही पब्लिक के अंदर ही आगे। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न। अब ये पब्लिक क्यों कहला रही है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, जनता की भलाई के लिए ये हॉस्पिटल है तो पब्लिक होगा ही। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। ऑल्सो द रिसोर्स नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेंड
फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब गवर्नमेंट क्यों करती है काम, क्यों? क्योंकि हम उनको पैसा देते हैं, हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो वो पैसा गवर्नमेंट हमारे ही भलाई के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देती है। हैंड सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरी वन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इधर फ्री और एट लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो आज के टाइम पे जो कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट ही इसके ट्रीटमेंट करवा रही है, फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है, जनता को फ्री में ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, कई लोग हैं जो प्राइवेट में अपना काम करवाना चाहते हैं, तो प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उतना ही उनको पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी डिटेल जो अब आएगी, ये रीडिंग वाले टॉपिक्स हैं, इनमें आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से वर्क होता है। हम यहाँ से चलते हैं, जब हाकिम निशेक ने गवर्नमेंट के खिलाफ में केस किया था कि 8 हॉस्पिटल ने उसे मना कर दिया था एडमिट करने के लिए। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी